कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है दादी दादी मच्छू पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ में, उनके लिए। पवन भैया की कल शादी हो चुकी है, कल ही हमें पता चला उनके ब्लॉग देखकर कि पवन भैया की शादी हो चुकी है। तो अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं हमारे उत्तराखंड की शान पवन पहाड़ी जी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो। और वो अपने ब्लॉग के माध्यम से कई बार हिंट भी देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि सच में उनकी शादी हो रही है। सभी लोग गैस करते थे, कोई कहता था कि शायद दोनों भाइयों का जनेऊ हो रहा है, कोई कहता था कि कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने शादी के बारे में खुलकर नहीं बताया कि हाँ मेरी शादी है। खाली बताते थे थोड़ा कि ये होने वाला है, ये होने वाला है करके, लेकिन सच में हमको बिल्कुल भी, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ पवन भाई की सच में शादी हो रही है। कल शाम को ऐसे यूट्यूब खोला तो उसमें थंबनेल में पवन भैया दूल्हे राजा बने हुए थे। मैं तो थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हो गया मुझे, मैंने कहा अच्छा पवन भैया की सच में शादी हो गई है। तो उसके बाद तो कई सारे वीडियो आ चुके हैं सामने और भाभी जी भी हमने देख ली है, बहुत ही सुंदर है। दोनों की जोड़ी एकदम राधे कृष्ण की तरह लग रही है, काफ़ी दोनों एकदम गुड़िया और गुड्डे की तरह सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो और आप हमको सभी को बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पवन भैया की लाइफ में एक नया मोड़ आ गया है। तो और भी उनके ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हम सब के लिए। कई लोग दुखी हो रहे हैं कि हम लोगों को निमंत्रण नहीं आया, कोई कह रहे हैं कि हमको भूल गए, लेकिन सभी से मैं कहना चाहती हूँ ब्लॉग के माध्यम से ही कि प्लीज़ ऐसा ना बोलिए। और पवन भैया पूरे उत्तराखंड के, पूरे देश के, बल्कि विदेशों में भी लोग उनके वीडियो देख रहे हैं, तो सभी लोग उनके चाहने वाले हैं। किस किस को वो अपने शादी का निमंत्रण देंगे, प्लीज़ दुखी नहीं होइए। इस खुशी के मौके पर उनको बधाइयाँ दीजिए और इस मोमेंट को इंजॉय करिए। सच में काफ़ी खुशी की बात है सभी लोगों के लिए। मैं भी कल से बहुत खुश हूँ, कितने लोगों को मैंने बता दिया है कि पवन भैया की शादी होगी। खैर ब्लॉग तो आजकल सभी ने देख लिए होंगे और कल से उन्हीं की चर्चाएं हैं। न्यूज़ में भी देखा मैंने कल पवन भैया की शादी की न्यूज़ आई थी कि उनकी शादी हो चुकी है। अभी तक केवल जयमाला तक की ही वीडियो आ रखी है, अभी आप लोग देखते जाइए जयमाला के बाद पूरे शादी की और दुल्हन के गृह प्रवेश की, अम्मा के आशीर्वाद की, सभी की वीडियो आने वाली है। वास्तव में काफ़ी खुशी की बात है सभी परिवार के लिए और सभी उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि पवन भैया को सभी लोग दिल से प्यार करते हैं, दिल से उनको मानते हैं, तो सभी लोग काफ़ी खुश हैं, खुशी का माहौल है सब में। कभी कभी तो अम्मा की बातों से लगता था, जब अम्मा बोलती थी कि दुल्हन ने बाल काटे हैं नहीं काटे हैं और वो हमारे कपड़े धोएगी या नहीं धोएगी, तो लगता था क्योंकि बड़े जो घर के बड़े लोग होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे कि अम्मा थी, जैसे विनोद भैया हैं, वो तो मजाक मजाक में कह भी देते थे, लेकिन अम्मा की बातें सुनकर लगता था कि हाँ होने वाली है शादी, क्योंकि अम्मा कई बार कहती थी ना कि वो हमारे कपड़े धोएगी या नहीं धोएगी, नहीं धोएगी तो वॉशिंग मशीन लेके आना, ये वो ऐसी मजाक चलती रहती थी। लेकिन सच में ही हो गया ये शादी, कमेंट आ भी रहे हैं लोगों के कि मजाक मजाक में तो सच्ची में हो गया, कई लोग सरप्राइज हो गए। कितने लोगों को तो पता होगा, लेकिन हम जैसे जो लोग दूर से देखते हैं उनके ब्लॉग को, हम लोगों के लिए काफ़ी एकदम ही सरप्राइज है। अच्छा भी क्या उन्होंने जो नहीं बताया, बता देते तो जो ये सरप्राइज था वो ख़त्म हो जाता हम लोगों के लिए। बाकी जो तो उनके नज़दीक के जानने वाले उनके दोस्त लोग होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। तो फ्रेंड्स सरप्राइज तो ख़त्म हो चुका है हमारे लिए, अब है इंतज़ार कि पवन भैया के ब्लॉग में आने का। कल परसों ही उनके दो दिन ब्लॉग नहीं आए हैं, हल्दी तक के दिन उनका ब्लॉग आया है, परसों होगी इनकी हल्दी, और अब इंतज़ार है उनके ब्लॉग में आने का और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने का। सभी लोग एक्साइटेड हैं काफ़ी उनकी शादी के बाद वाले ब्लॉग देखने के लिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ पवन भैया को और पूरी फैमिली को, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू, बाय बाय।